ओके साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का शीर्षक है ज्ञान बुद्धि। मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे नया सीखने का मुझे विशेष लगाव है, प्यार है। मैं ज़्यादा ज़्यादा सीखना चाहता हूं और थोड़ा बहुत तुच्छ मात्र मैं आप लोगों को कुछ सिखाना भी चाहता हूँ। साथियों, आपसे कोई पूछे कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो हो सकता है आप या अमुक व्यक्ति कहेगा कि फला व्यक्ति, उसके पास अपार संपत्ति है, धन दौलत है, वो शक्तिशाली है। या कोई ये भी कह सकता है कि अमुक राजा एक बहुत ही शक्तिशाली है, उसके पास अपार संपत्ति के साथ साथ विशाल साम्राज्य भी है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं, उसके पास सभी तरह की सेनाएं हैं। तो साथियों, कोई धन दौलत को अमीर बताता है, शक्तिशाली बताता है, कोई एक राजा को बताता है, तो कोई एक बहुत बड़े ओहदे पर कोई है तो उसको शक्तिशाली बताता है। परंतु ये चीजें इतनी स्थायी नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है किसी राज्य का कोई दूसरा राजा उस राज्य को छीन ले। आप कोई बहुत बड़े ओहदे पर हों तो जब तक, चाहे वो सेना का अध्यक्ष हो या चीफ जस्टिस हो किसी भी देश का, या फिर वो एक बहुत बड़ा राज्य हो, तो भी ये चीज़ें स्थायी नहीं हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति बहुत बड़े ओहदे पर भी है, तो जब तक वो उस पद पर आसीन है, तब तक लोग उसको मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जैसे ही उस ओहदे से वो हट जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद उसको कोई पूछता नहीं है। कहते हैं ना, उगते सूरज को नमस्कार करते हैं। तो मेरा मानना ये है, मैं कोई ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, पर मेरा अपना मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद कोई चौथी अति महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वो है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ सिर्फ सूचनाओं से नहीं है, जानकारी से नहीं है। ज्ञान जानना और उसका मानना या अप्लाई करना, मैं उस ज्ञान की बात करता हूँ। कुछ व्यक्तियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जब तक ये संसार है तो उनका नाम रहेगा। जीरो का आविष्कार किसने किया? बल्ब की रोशनी से संसार को किसने जगमगाया? वायुयान से लेकर ट्रेन, गाड़ियां और क्या क्या, तो इन लोगों को कभी भी इनके ज्ञान के कारण इनका नाम सदा अमर रहेगा, क्योंकि इनके पास एक विशेष ज्ञान था। तो मैं इस ज्ञान की बात करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन हथियार डाल चुका था, युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देकर, उसने गीता का उपदेश ज्ञान देकर उसने उसको विजयी बनाया। तो जैसे वो अन्य बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति हुए हैं, उनको ज्ञान के कारण याद किया जाएगा। सुकरात, प्लेटो को ज्ञान दिया, प्लेटो ने अरस्तु को ज्ञान दिया, और अरस्तु ने
सिकंदर को विश्व विजेता बनाया। तो इन लोगों का जो ज्ञान है ये एक विशेष ज्ञान है, ये ज्ञान कभी इन व्यक्तियों को भुलाया नहीं जा सकता। ज्ञान एक ऐसा मंत्र है जिसको गलाया नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको छीना नहीं जा सकता, बल्कि इसको जितना बांटा जाता है ये बढ़ता जाता है। बांटने से बाकी चीज़ें घटती हैं लेकिन ज्ञान बढ़ता है। तो मेरा अनुरोध आप सभी से है कि सीखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, ज्ञान को जितना उसके बांटिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा और हो सकता है एक दिन आप भी न्यूटन और आइंस्टीन जैसे बन जाएं। तो ये मेरा आज का विचार था। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।